सकते हैं लोग जो है ना, अल्लाह ताला मुझे माफ करे जो मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी की दिल आजारी के लिए नहीं कर रहा, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, आप उनकी लाइफ को आप एनालाइज कीजिएगा तो यू विल फाइंड इट कि एक बंदा ऐसा है जिसने पूरी जिंदगी दूसरों की जमीनों पे कब्जे किए, बंदे मरवा दिए नाजायज कब्जे के चक्कर में, मरवा दिया उनको और उनकी जमीनों पे कब्जा करवा दिया, उनकी औलादों को मरवा दिया पैसों के लिए, तो यू विल फाइंड के उनके बच्चे में भी स्पेशल बच्चे निकले जिनसे वो हमेशा उनका तरस सहम देखते रहेंगे पूरी जिंदगी। उनकी अपनी बीमारी ऐसी उनको लग जाएगी जिसका इलाज कोई नहीं होगा, सफाई नहीं अपनी रख सकेंगे, कोई देखे ना आपके अकाउंट में 1 खरब रुपया पड़ा हुआ है और आपके दस्तरखान पे सारी नेमतें हैं लेकिन आप खा नहीं सकते, तो व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम अल्लाह? इससे ज्यादा वो आपको फितरत क्या सिखाए कि यार अगली नस्ल इसको देख के सबक हासिल कर ले कि यार इसके 1 खरब रुपए का इसको क्या फायदा है अगर ये अच्छा खाना नहीं खा सकता, अच्छा पहन नहीं सकता, क्योंकि जो ही उसने कपड़े पहने 5 मिनट बाद उसको हाजत के लिए उतारने पड़ने हैं फिर दोबारा, तो ना आप अच्छे कपड़े पहन सकते, ना आप अच्छे जूते पहन सकते हैं कि आपके पांव खराब हैं शुगर की वजह से, ना आप खाना खा सकते हैं कि आपकी इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपकी इंटरनल कि आप जो खाना खाएंगे वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, यू विल वॉमिट इट आउट इधर वे, तो क्या फायदा इतना कुछ इकट्ठा करने का? उससे ये बेहतर नहीं है कि जो मेरे पास जिसको मैं चले सरप्लस समझता हूं, बेसिकली तो ये होना चाहिए कि जो अल्लाह ने दिया उसका बहुत ज्यादा आपने रखना है, 10% खुद रख ले, 90% आप अल्लाह को वापस कर दे, लेकिन चलो हम बहुत बड़े दुनियादार हैं, 90% खुद रख ले, 10% तो अल्लाह को वापस कर दे कि चलो यार ये हमसाया भूखा है यार ये आप खाना खा लेना, इसके बच्चे ने स्कूल की फीस नहीं दी, चलो यार ये यार तुम चोरी दे उसको दे दे, किसी को पता ना चले ये बच्चे की स्कूल की फीस चली जाए, सर्दियां आ गई इन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए, वो नए नहीं दे सकते जालमो जो पुराने हमारी अलमारियों में पड़े हुए, हमें हम ना हमें पूरे आने ना हमारी औलादों को पूरे आने, वो ही उनको दे दे, तो हम वो भी नहीं करते जबकि हमारे पास हमारी लाइफ में उसकी एग्जाम्पल्स होती है कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ड्यू टू ABCD रीजंस, नंबर ऑफ रीजंस। तो इसको जिसको हम सक्सेस का अगेन फार्मूला समझते हैं, इट्स नॉट अ फार्मूला ऑफ सक्सेस, इट्स नॉट सक्सेस एट ऑल।